चीन की वुहान लैब से पैदा हुआ था कोरोना वायरस, अमेरिकन एक्सपर्ट्स का दावा। फ्रांसीसी अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी एजेंस फ्रांस प्रेसे की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड 19 की शुरुआत के बाद से दुनिया भर में ये अटकलें तेज हो गई थी कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में मौजूद एक लैब से लीक हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि WHO के विशेषज्ञ दिसंबर 2019 में ही वुहान में कई प्रमुख स्थलों का दौरा कर चुके थे जब पहली बार कोविड 19 का पता चला था। WHO विशेषज्ञों के लिए वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की यात्रा उनके एजेंडे में सबसे हाई प्रोफाइल घटनाओं में से एक थी, क्योंकि यहां उन्हें जो कुछ मिला वो महामारी का स्रोत था। आपको याद होगा कि पिछले साल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके राज्य सचिव माइक पोम्पियो ने भी कोरोना वायरस के चीन लैब से लीक होने के सिद्धांत का समर्थन किया था। If you stare at the evidence that is accumulated to date, it points in the single direction of this having been a laboratory leak from a place called the Wuhan Institute of Virology. इसके बाद से ये मुद्दा पूरी दुनिया में तेजी से फैली, लेकिन चीन ने इसे महज प्राकृतिक बीमारी बताकर कुछ भी जाहिर करने से इनकार कर दिया। जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2019 में वुहान के लैब में कार्यरत 3 रिसर्चरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये मामला इस शहर के लोगों के वायरस से संक्रमित होने से ठीक पहले का है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पदभार संभालते ही इस बात की रिपोर्ट मांगी कि कोविड 19 वायरस सबसे पहले कहां से फैला था। इस बारे में वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के फेलो जेमी मेटजल का कहना है कि इस मामले में चीन पहले दिन से ही बड़े पैमाने पर तथ्यों को छिपाने की कोशिश में लगा है। Member Ruiz and members of the select subcommittee on the coronavirus pandemic. It is my great honor to join you today. We are primarily here because the Chinese government has done everything in its power to prevent the type of investigation into the origins of the COVID-19 pandemic that is 3 years overdue and still urgently required. चीन के वुहान में कुछ समय तक काम कर चुकी अमेरिकी वैज्ञानिक एंड्रयू हफ ने अपनी किताब द ट्रुथ अबाउट वुहान में दावा किया है कि सुरक्षा नहीं होने की वजह से कोरोना वायरस का रिसाव लैब में हुआ और फिर इसे रोका नहीं जा सका। अमेरिकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट रिचर्ड एच एब्राइट के मुताबिक कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग से ये जानकारी सामने आई है कि ये RTG13 कोरोना वायरस का प्रोजिनेटर है। इस वायरस को वुहान लैब के वैज्ञानिकों ने चीन के यूनान प्रांत स्थित एक गुफा में चमगादड़ों से प्राप्त किया था। इसी वायरस की वजह से साल 2012 में चीन में सार्स नामक बीमारी फैली और हजारों लोग मारे गए। इसके बाद वुहान लैब में साल 2013 से 2016 तक इसे आंशिक रूप से बदला गया। इसके बाद वुहान लैब ने इस वायरस की सीक्वेंसिंग कर डाली। मशहूर साइंस राइटर और एडिटर निकोलस वेड ने दावा किया है कि इस बात की पूरी आशंका है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान लैब में तैयार हुआ है। भारत में पहली बार डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म एडिटर जी से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कहा कि इस बात के पूरे आसार हैं कि ये वायरस प्राकृतिक नहीं है बल्कि लैब में बनाया गया है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के निष्कर्षों के आधार पर द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि कोविड-19 एक लैब से लीक हुआ था जिसने पूरी दुनिया में कहर बरपा दिया। इस तरह के और अपडेट्स के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करना न भूलें। क्या अमेरिकी वैज्ञानिकों एवं एक्सपर्ट्स का दावा सही है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान लैब से लीक हुआ था? कमेंट्स जरूर करें।